मेरे नंबर से फोन ना करी। ठीक है, मेरा नंबर ट्रेस हो रहा, मेरे नंबर से कॉल नहीं करनी बिल्कुल भी, ना को मैसेज करी। अच्छा, अगर तू कॉल की दूसरे नंबर से, यार नंबर बंद कर दे। अच्छा हाँ, क्योंकि तेरा नंबर जो है ना उधर रिकॉर्डिंग के बिच आया है। अच्छा, फिर मैं की बनिया फिर? चल ठीक है, बाद तेन दसांगा मैं। काम भी नहीं यार, मरीज क्या आया थाने की लैन? कुछ नहीं, इंक्वायरी वास्ते सद्या, शाम में जाना फिर। सही, क्या तुम दसी फिर? चलो क्यों, मुंडा कितने चेहरा जिनवाना है मोटा लै गया। ओ गई क्या होना, कुछ लगनी हो कोई नी लबनी। ठीक है, नंबर तेरा ही है? बड़ा परेशान वली पाशा साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस को न सिर्फ देखा, एक डेड बॉडी जो सड़क पर पड़ी हुई मिली, ब्लाइंड मर्डर कैसे ट्रेस हुआ, क्या कहानी है, ये हम डिटेल्स जानते हैं वली पाशा साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। पाशा साहब, डेड बॉडी कहाँ पर पड़ी हुई थी और कॉल हुई कि क्या यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी है, वहाँ से स्टार्ट लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रख बोली गाँव है, हमारे इधर थाना सिटी के अंदर आता है, ये हमारा बाउंड्री पे गाँव है, तो वहाँ कच्चा रास्ता खेतों के पास, तो वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, नौजवान लड़के की डेड बॉडी थी। तो 15 पे कॉल होती है, मैं मेरे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अपनी टीम के साथ हम रिस्पॉन्स करते हैं, वहाँ पर जब जाके देखते हैं तो लोग बताते हैं कि इस डेड बॉडी के पास कुछ जंगली जानवर खड़े थे, तो पॉसिबल है कि इसको जंगली जानवरों ने मार दिया हो। अच्छा, लेकिन चूंकि वो मर्डर केसेस होते हैं, 302 का मैटर था अभी, कि ये कन्फर्म नहीं था, श्योर नहीं था कि इसको वाकई जंगली जानवरों ने मारा है। ठीक है, हमने PFSA टीम का वेट किया, जब PFSA टीम पहुँची, क्राइम सीन वाली टीम पहुँच गई, तो उन्होंने जब देखा तो डेड बॉडी को जानवरों की वो जो होती है नोच वगैरह नहीं थी, खराशें नहीं थी, इसको एक्चुअली फायर लगा हुआ था। ठीक है, नौजवान लड़का था, वो चप्पल पहनी हुई थी, ट्राउजर शर्ट पहना हुआ था। तो जब ये नामालूम डेड बॉडी थी, इसका पता भी नहीं था ये किस, ये कौन है, इसकी जेब में से भी कोई चीज़ ना निकली, तो बड़ा मुश्किल था, बड़ा ट्रबल सा भी सिचुएशन सी क्रिएट हो गई। लेकिन हमने डेड बॉडी को उठाया, पूरी जो लवाजमात थे, जो टेक्निकलिटीज थी, उसके बाद हमने डेड बॉडी को डेड हाउस ट्रांसफ़र किया, पोस्टमार्टम हुआ इसका, तो उसके बाद इसके हमने मोबाइल की CDR ली। ठीक है, तो CDR से पता चला कि ये इसका ना नहीं, और एक्चुअली जब डेड हाउस इसका पोस्टमार्टम हो रहा था तो वहाँ पर इसके वर्सा आ गए। ठीक हो गया, इसकी फैमिली आ गई। ठीक हो गया, तो इसकी फैमिली में इसका भाई भी शामिल था जो इस कत्ल में शामिल था। ठीक है, तो मैंने इसके भाई से क्वेश्चन किया कि आप किसी को जानते हैं जिसके साथ आपका भाई आया था, जिसके साथ आपने इसको भेजा हो, कोई क्लियो हमें बताएं, मोहल्ले में किसके साथ ये घूमता फिरता था, इसके रिलेशंस किसके साथ क्या थे, कोई हमें कोई ऐसा इशारा दे जिसपे हम डायरेक्शन पे काम करें। ठीक हो गया, तो इसने बिल्कुल लाइलमी का इजहार किया जैसे इसको पता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे तभी इस पर थोड़ा सा शक होने लगा, क्योंकि इसका जो भाई, जो इसकी वालदा थी, वो रो रो के निढाल हो रही थी, इसके वालिद बार बार भी हो रहे बेहोश रहे थे, लेकिन मैं ये कीप क्वाइट खामोशी से खड़ा था और हालात का जायजा ले रहा था। ओके, ये हालात का जायजा ले रहा था, मैं इसका जायजा ले रहा था। ठीक है, मैंने और एक अच्छा पुलिस ऑफिसर वही होता है, मैंने वहीं पे इसका नंबर ले लिया। ठीक है, मैंने विदर नोट ले इसके भाई का नंबर लिया, इसका नंबर लिया,
इसकी जो भाभी है उसका नंबर है, भाभी के पास मोबाइल ही नहीं है, लेकिन उसको भी हम इंटरोगेट कर रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी सारी सिचुएशन क्लियर हो जाती है। तो जब हमने इनकी CDRs ली तो CDRs में से हमें काफी कुछ चीजें मिली। तो इस एक नंबर पे बहुत ज्यादा कॉल्स थी, इस नंबर पे बहुत ज्यादा कॉल्स थी, वो हमने चेक किया, वो किसी और का नंबर निकला। तो इस तरह हमें पता चला कि ये डेड बॉडी किसकी है। बाकी जो चीजें थी वो आगे फर्दर कैरी ऑन हमने की। तो जब तफ्तीश का ये मरहला चला तो आफ्टर 5 or 6 days हमने ये प्लान कर लिया, हमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसके भाई की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो हमने इसको इंटेरोगेट करने का ना सोच लेकर हमने इसको इंटेरोगेट करना है। हमने इसको शाम में तफ्तीश होने के लिए थाने बुलाया जी। इससे CDR के बारे में पूछा, इसके मतलब लिंक्स के बारे में पूछा, तो फिर इसने लाइलमी का इजहार किया कि मुझे कुछ मालूम, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक हो गया। हुआ ये कि जो मकतूल का मोबाइल था जी, जो शूटर लड़का है जी, अली रजा जी, अली रजा ने क्या किया कि इसने यहाँ से ये मोबाइल लेके जाता है, उसी मोबाइल से इसके भाई को कॉल करता है, मकतूल के भाई को कॉल करता है, उसको सारी सिचुएशन बताता है कि मैंने ये काम कर दिया, और बहाना ये करता है कि अपने घर वालों को बता दो कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो वो उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। अब इसको पता था कि मेरा भाई कत्ल हो गया, लेकिन ये लाइलमी का इजहार कर रहा है, ये छुपा रहा था। ठीक है। शूटर यहाँ से चलता है, अली रजा मोबाइल को लेके चलता है, चलता माना वाला जाता है, ये हमारी बाउंड्री पे थाना माना वाला, माना वाला में जाता है, माना वाला में जाके वो अपनी ममानी को कॉल करता है। उसके बाद आफ्टर 2 days वो उसी मोबाइल के अंदर अपनी और अपने भाई की सिम डाल लेता है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। जब हमने उसकी CDR निकाली तो उसकी CDR से मकतूल के मोबाइल से मकतूल के भाई ये जो अभी आपके इसके साथ उसकी मुसलसल कन्वर्सेशन थी, गुफ्तगू होती रही। अब हमें ये हमने अंदाजन कितनी कॉल्स होंगी, ये काफी ज्यादा है। ठीक हो गया, काफी बड़ा नंबर है। ठीक है। तो जब हमें ये क्लियर हो गया कि ये बंदे का इस बंदे के साथ क्या रابطہ है, जब हमने इसको पकड़ लिया, इंटरोगेट किया, हमने तफ्तीश शुरू की, तो फिर लेके चल पड़े सिलसिला सारा। हमने उस लड़के शूटर को भी पकड़ लिया, फिर उसके आगे जहाँ पे जो मकतूल की मोटरसाइकिल थी जहाँ पे बिकी, वो हमने मोटरसाइकिल भी रिकवर कर ली, आला कत्ल भी बरामद कर लिया, जिससे आला कत्ल लिया था उस लड़के को भी हमने पकड़ लिया। ठीक है। तमाम चीजों को इंटरोगेट करने के बाद ये चीज सामने आई कि मकतूल की बीवी का इस अली शेर, जो उसका मकतूल का भाई है, उसके साथ रिलेशन था, जिस रिलेशन की बिना पे इसने अपने भाई को कत्ल करवाया, क्योंकि रमजान अल मुबारक के अंदर भी इसने अपने भाई को कत्ल करवाने का मंसूबा बनाया हुआ था। ठीक है। लेकिन वो पाया तकमील तक ना इसी शूटर के जरिए, इसी शूटर के जरिए। ठीक है। ये बताइए कि शादी कितनी पुरानी थी? ये तकरीबन ये 4.5-5 माह बनती है तकरीबन। अच्छा, 4-5 माह बनती है, और इसी दौरान इसके भाभी के साथ रिलेशन कायम हो गए। भाई को कत्ल करने का मकसद ये था कि रास्ता साफ हो जाए। बिल्कुल, इसके शादी से पहले रिलेशन थे इनकी करीबी, वो करीबी अजीजा है। ठीक है। करीबी अजीजा, ये जो कह रहा है कि मैं शादी पे यहाँ पे था ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि भाई की शादी और भाई की शादी में शामिल ना। ठीक, बिल्कुल ठीक है। मोटरसाइकिल जो इस्तेमाल की गई वो रिकवर हो गई? जी, मोटरसाइकिल रिकवर हो गई है, आला कत्ल बरामद हो गया है। ठीक है, ये जो पूरी स्टोरी थी ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई है जी। बताइएगा कि रابطے के बाद को पैसों का लेन देन भी हुआ? जी बिल्कुल, इनका बिफोर मर्डर इसने 15,000 रुपए उसको दिया था शूटर को। इसने खुद पिस्टल हायर किया, ये खुद पिस्टल लेके आया, शूटर के साथ गया, इसको पिस्टल लेके दिया, दोनों खुद जाके पिस्टल लेके आए। ठीक है। इसने प्लान के मुताबिक अपने भाई को रावी जान पे बचाया, प्लान के मुताबिक शूटर को वहाँ पे वहाँ जाएगा और कत्ल किया जाएगा। बिल्कुल, CDR के मुताबिक ये जो बात है ये दुरुस्त साबित हुई कि इसने पहले अपने भाई को कॉल करके वहाँ पे बुलाया, फिर उसने शूटर को वहाँ पे भिजवाया। ठीक है। और उसके बाद उनको भिजवा दिया कि जिस तरह प्लान के मुताबिक है वहाँ पे तुम इसको जाके कत्ल कर देना। ठीक है। तो कत्ल से पहले इसने 15,000 दिया था उसको। जब वो कत्ल करके आता है सीधा इसके पास आता है, इससे फिर 2,000 रुपया लेके जाता है। ठीक है। इसको मुसलसल तमाम स्टोरी का पता था, इसको मुसलसल तमाम काय का पता था, लेकिन इसने पुलिस से बिल्कुल खामोशी इख्तियार की, पुलिस को टच नहीं किया और ना इसने बुलाया। होता क्या है कि आफ्टर 5 or 6 days ये खुद कॉल करता है अली रजा शूटर को। ठीक है। उसको कहता है कि पुलिस को सारी स्टोरी का लगता है कि पता चल गया है, तुम जो मोटरसाइकिल है इसकी नंबर प्लेटें कहीं फेंक दो, उनको गायब कर दो। ठीक हो गया जी।
और जो आपकी CDR है, अब इस नंबर से आप बिल्कुल कॉल ना करना, CDR जो है उससे पुलिस जो सर्च कर रही है कि तुम्हारा नंबर ट्रेस आउट ना हो जाए, ठीक है, मेरा और तुम्हारा लिंक सामने ना आ जाए, यानी डायरेक्शंस भी सारी बिल्कुल उसको डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन इसने पुलिस को इस मामले से लाइलम रखा, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन हकायक जो होते हैं ये टेक्निकल चीज़ें झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल ठीक है।